हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर में दैट इज इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। एक सीमेंट की कंपनी है जो अगर व्हाइट सीमेंट को सोल्ड करती है तो वो ₹8 का उसको प्रॉफिट होता है हर एक बैग पे। अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग सोल्ड करती है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, ₹8 का। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग वो सोल्ड करती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। तो इसमें ये पार्ट पूछ रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट की 3000 बैग सेल कर रही है एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट की 5000 बैग को सेल कर रही है इन अ मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, आप बताइए कि इसमें इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, एक बैग व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹8। एंड लिखिए लॉस पर बैग, पर का मतलब एक बैग, पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट। अगर एक ग्रे सीमेंट का सोल्ड किया जा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, ₹5। नाउ द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो 3000 बैग्स पे बताइए कितना प्रॉफिट होगा, व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लिखिए प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ऑफ व्हाइट सीमेंट। देखिए एक बैग पे कितना प्रॉफिट था, ₹8, तो 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, 3000 इंटू ₹8 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 3 24 एंड 30, मतलब उसको 24000 का प्रॉफिट होगा। दिस इज प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, और 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट की भी सोल्ड हो रही है, सेल हो रही है। तो चलिए इस पे लॉस होगा क्योंकि ग्रे सीमेंट है, ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा था हर एक बैग पे ₹5। तो चलिए लिखिए लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितना होगा। एक बैग पे ₹5 का लॉस हो रहा था, तो 5000 बैग पे 5000 इंटू ₹5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 5 25000 आएगा ₹। तो अब आप बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब वो व्हाइट सीमेंट बेच रहा है तो उसको 24000 रुपीज मिले, और जब वो ग्रे सीमेंट बेच रहा है तो उसको 25000 रुपीज का लॉस हुआ। तो बताइए अभी वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, कौन सा ज्यादा है, 25000 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है, लिखिए लॉस इज इक्वल्स टू 25000 माइनस, पहले लिखिए रुपीज 25000 माइनस रुपीज 24000 कितना आ जाएगा, रुपीज 1000। 1000 का उसको लॉस हुआ है। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। टू द बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। आपको बताना है कि व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग्स को बेचा जाए कि आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन मिल जाए। कितने बैग्स ऐसे व्हाइट सीमेंट के बेचे जाएं
कि आपको neither profit nor loss की condition मिल जाए, if the number of grey bags sold is 6,400 और आपको grey bags का बताया है कि वो 6,400 bag को sold किया जा रहा है, लेकिन white cement का हमें नहीं बताया है, हमें वही निकालना है कि कितनी ऐसी white cement की bag को हम sold करें कि हमें neither profit nor loss की condition मिले। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, let white cement bag, white cement bag number of, let number of, let number of white cement bag sold is equals to x। हमने मान लिया कि x bag जो है सेल की जा रही है व्हाइट सीमेंट की। तो चलिए सबका प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट एक बैग का 8 रुपीज था व्हाइट सीमेंट पे, तो एक्स बैग का कितना होगा? अभी एक्स बैग है ना, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू एक्स, एक्स बैग है अभी, तो एक्स बैग पे कितना प्रॉफिट होगा लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, प्रॉफिट ऑफ एक्स बैग, मैंने मान लिया है कि व्हाइट सीमेंट की एक्स बैग को सोल्ड किया गया है, प्रॉफिट ऑफ एक्स बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, और इस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा था ना व्हाइट सीमेंट पे, एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट था, तो एक्स बैग पे कितना होगा, एक्स इंटू ₹8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स करेंगे तो रुपीज क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स। ओके, नाउ लॉस ऑफ कितने बैग्स, 6,400 है ना, 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हुआ है, एक बैग पे ₹5 का लॉस हो रहा था, तो 6,400 पे कितना लॉस होगा, 6,400 इंटू ₹5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 4 20 कैरी आया 2, 6 5 जब 30 32 एंड कितने 0 2 0 32,000 रुपीज का लॉस हुआ है। अब आपको कंडीशन कही गई है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसका लॉस हुआ, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। इसको आप इक्वल कर दीजिए, आपको बैग्स मिल जाएंगे कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सोल्ड किए गए थे। तो चलिए प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹8 इंटू एक्स, इधर लिख लेती हूँ, ₹8 इंटू एक्स, लॉस क्या है, ₹32,000, रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो गया। अब लिखिए एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, इधर ये मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 32,000 डिवाइड बाय 8, 8 की टेबल कितनी बार पढ़ूं, 8 4 जा 32 एंड कितने 0 3 0, तो आपको एक्स की वैल्यू आ गई है 4,000। इसका मतलब है इतने बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट को सोल्ड किया गया था, 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट को सोल्ड किया गया था, तब जाके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन मिली है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।